अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो डियर व्यूअर्स आज इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं के एफ टी के एफ टी स्टैंड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट विच इज़ डन फॉर फॉर द एनालिसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आवर किडनीज यानी किडनीज की फंक्शंस के एनालिसिस के लिए ये टेस्ट हम करते हैं एम ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू मेजर

final test which is done for the analysis of the functioning of our liver liver ke function ke analysis ke liye hum kaun sa test karte hain lft aim of this test is to measure the appropriate quantity of enzymes and proteins present for the normal functioning of our body yani is test ki आ, मतलब क्या है ये टेस्ट हम एंजाइम और प्रोटीन की क्वांटिटी मालूम करने के लिए करते हैं ताकि लीवर की जो फंक्शंस है ओ, मालूम कर सके इन एंजाइम और प्रोटीन के जरिए और इन एंजाइम और प्रोटीन की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम कौन सा टेस्ट एडवाइस करते हैं एलिफ्टी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट अब तीसरे नंबर पर क्या है एम दिस इज यूज्ड टू ऑब्जर्व ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड डिटरमाइन विच एरियाज़ ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट कंज्यूम मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग वेरियसिस्क इट इज यूज टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफर्स एपोटेंशियल न्यू स्टैंडर्ड फॉर एसेसिंग न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड न्यूरो सर्जिकल रेस्क यानी एम आर आई हम ब्रेन की इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइज़ करते हैं और इसी एम आर आई के थ्रू ब्रेन में जितनी भी एबनॉर्मिलिटीज़ होती है अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए या ब्रेन में कहीं पे ब्लड ब्लड क्लाट हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एम आर आई करते हैं अब फोर नंबर पर क्या है सिटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सिटी स्टैंड फॉर कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन इज़ यूजली डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग डिजीजेज एंड इंजरीज ये भी हम ब्रेन में डिजीज डिटेक्टिंग या इंजरीज डिटेक्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं इट यूजेज़ ए सीरीज ऑफ एक्सरेज एंड ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस ए थ्री डी इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स सी टी इज ए पेनलेस नॉन इनवेसिव वे फॉर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डायग्नोस कंडीशंस यानी सि टी स्कैन के जरिए हम क्या करते हैं ये जस्ट लाइक like, uh, एक एक्सरे होती है थ्री uh, डी की और इसमें हम टिश्यूज़ और बोन्स की uh, क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन uh, करते हैं अब फिफ्थ नंबर पे क्या ए सी जी एंड एलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ई सी जी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए सिंपल टेस्ट देट दैट कैन बी यूज टू चेक यूअर बॉर्ड्स रेतम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी ई सी जी हम किस लिए करते हैं ये एक सैम्पल टेस्ट होती है और इसके ज़रिए हम हार्ट की रतम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं सेंसर्स अटैच टू द स्किन और यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय योर हार्ट ईच टाइम एट बीट्स यानी ई सी जी में हम पेशेंट्स की बॉडी के साथ क्या चीज़ अटैच करते हैं सेंसर्स जिसको हम लीड्स कहते हैं इसी जी में और उसी के थ्रू नॉर्मिलिटी डिटेक्ट होती है अब क्या है एक्सरे रे एक्स रे कैन बी यूज टू एग्जामिन मोस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी एक्सरे के जरिए भी हम बॉडी uh, के मुखलिफे एग्जामिन करते हैं दे आर मेनली यूज़ टू लुक एट द बोन्स एंड जॉइंट्स आल दो दे आर समाइम्स यूज टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स एफेक्टिंग सॉफ्ट टिश्यू सच इज़ इंटरनल ऑर्गॉन्स प्रॉब्लम्स दैट मे बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन एक्सरे इंक्लूड बोन फ्रैक्चर एंड ब्रेक्स यानी एक्सरे हम ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं या एडवाइस करते हैं बोन फ्रैक्चर्स के लिए या जॉइंट में अगर कोई एबनॉर्मिलिटीज़ हो या इसी तरह कहीं भी कोई आ, स्टोन वगैरह हो तो वो भी उसके लिए भी हम एक्सरे एडवाइस करते हैं थैंक यू जी वालेकुम